हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक का अवनमन पे एक न्यूमेरिकल बता रहे, जो एनसीईआरटी बुक में, ट्वेल्थ की एनसीईआरटी बुक में 2.9 क्वेश्चन नंबर है, वो एग्जांपल नंबर है 2.9। इसमें हमने बिले, जिसे सॉल्यूट कहते हैं, 45 ग्राम सॉल्यूट लिया और वो सॉल्यूट का नाम है एथिलीन ग्लाइकॉल। ये दिस इज ए फॉर्मूला ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2। उसका मोलर मास होता है 62। इस 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल को हमने सॉल्वेंट पानी लिया, वाटर में डिजोल्व कर दिया, 600 ग्राम वाटर में डिजोल्व कर दिया। 600 ग्राम को केजी में बनाएंगे तो 0.6 केजी हो गया। इसमें डिजोल्व कर लिया तो एक बिलियन बन गया, सॉल्यूशन बन गया। इस सॉल्यूशन का हमें निकालना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, तो ऑलरेडी यू नो दैट, आप जानते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसे कहते हैं हिमांक का अवनमन। मोललता बिलियन की मोललता के समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मोलैलिटी। आप बराबर लगाएंगे तो कांस्टेंट आएगा Kf, इसे कहते हैं हिमांक का अवनमन स्थिरांक, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। और ये है मोललता, मोलैलिटी, गिवन मास, मोलर मास, पदार्थ की विलेय की मात्रा ग्राम में, उसका अणुभार, और विलायक का यानी सॉल्वेंट का मास केजी में होता है। तो देखिए Kf दिया गया, इसका नॉन वैल्यू होती दी जाती है 1.86। अब यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, 1.86 इंटू 45, ये सॉल्यूट है, एथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा दी गई, ये इसका मोलर मास है, अणुभार है, और ये आपका विलायक यानी पानी का मास दिया गया है 0.6 किलोग्राम में। आप लोग क्या करेंगे, डेल्टा टीएफ की वैल्यू यहां पर कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन मिल गया, इसे सॉल्व करिए। थैंक यू वेरी मच।